24 की टीम इस समय अयोध्या जिला के विकासखंड मसूधा के ग्राम सभा सीढ़ी नरसिंहपुर पहुंची है। यहां से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने वाले मोहम्मद नईम जी हैं। मोहम्मद नईम जी से हम बातचीत करेंगे, प्रधान हैं, और ये किस प्रकार से अपने ग्राम सभा का विकास करेंगे, ग्राम सभा में इनके विकास के क्या मुद्दे हैं, क्या वायदे हैं, और इनकी लोकप्रियता हिंदुओं के बीच में इतनी अच्छी कैसी रही, इन सभी विषयों पर हम मोहम्मद नईम जी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद नईम जी, आपका हमारे मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मोहम्मद नईम, वर्तमान प्रधान सीढ़ी नरसिंहपुर, थाना पूरा कलंदर, तहसील सुहावल, ब्लॉक खंड मसौदा, जनपद फैजाबाद। अच्छा, आप कितने वोटों से विजयी हुए? 65 वोटों से। आपके निकट प्रतिद्वंदी कौन? श्रवण कुमार यादव जी। श्रवण कुमार यादव जी आपके निकट प्रतिद्वंदी जी। अच्छा, अब इसमें तो हमारा कहना ही गलत होगा, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल हम करेंगे कि अब आपके आप सत्ता में आ चुके हैं जी, जी। और सत्ता में आने के बाद जो आपके निकट प्रतिद्वंदी हैं, आप उन्हें किस निगाह से देखेंगे? कोई उन्हें आपसे डरने की जरूरत है या सबको साथ सबका विकास, इस मुद्दे पर आप लेकर चलेंगे? नहीं, नया लड़का है, नई उमंग है और निकट बढ़िया टक्कर दिया है हमें, और मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हो सकता है आने वाला इलेक्शन उसका हो। अच्छा अच्छा। और पहला इलेक्शन था, अच्छी टक्कर दिया, निकटतम प्रतिद्वंदी रहा हमारा, 403 वोट मत प्राप्त हुए उसे और 468 मत हमें प्राप्त हुए। तो मैं मानता हूँ कि भविष्य में आने वाले दिनों में उनका इलेक्शन अच्छा रह सकता है। बड़ी अच्छी बात ये, आप अपने प्रतिद्वंदी के लिए यही शायद आपकी ये विचारधारा, आपकी यही सोच आपको एक हिंदूवादी बना दी। नहीं नहीं, हम लोग तो गंगा जमुनी तहजीब में सदियों से पले रहे हैं और वही संस्कृत लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अच्छा, इसका एक क्या राज रहा कि आप इतने बड़े हिंदू ग्राम समाज में, ग्राम सभा आपकी है जी, और आप कितने परसेंट यहाँ पर मुस्लिम? मुस्लिम यहाँ 9-10% होंगे। 9-10% होने के बावजूद दूसरी बार यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया, तो इसकी आपकी ये लोकप्रियता कहाँ कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे गाँव में अच्छी तरीके से एक उदाहरण है जी। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान साक्षात उदाहरण शायद आप ही बैठे हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ में रहते हैं, एक साथ में हम लोग होली मनाते हैं, एक साथ में दीपावली मनाते हैं, एक साथ में ईद मनाते हैं, एक साथ में बकरीद मनाते हैं। यही कारण जी जी जी। बड़ी अच्छी बात रही आपसे मिलकर, काफ़ी हमें अच्छा लगा, और हमें यही आपके द्वारा और पूरे देश की जनता को यही एक संदेश देना चाहेंगे कि इसी तरीके से मिलजुल कर लोग रहें तो शायद कितना अच्छा लगे। आप भी ऐसा कुछ संदेश देंगे? जी 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 जी। मैं हमारा क्या, हर एक भारतवंशी का ये पैगाम होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में मिलकर रहें। मिलकर रहने से देश की उन्नति होगी, गाँव की उन्नति होगी, देश के हर एक नागरिक की उन्नति होगी। बड़ी अच्छी बात रही, आपकी काफ़ी अच्छी सोच भी है, और इसी सोच का शायद ये परिणाम रहा कि आप आज इस स्थान पर हैं। अच्छा नईम जी, हम आपसे एक बात ये करेंगे कि अब तो आप प्रधान हो गए हैं, अभी आपने शपथ नहीं ग्रहण की, शपथ ग्रहण करने के बाद वह कौन सा विकास का कार्य आप सर्वप्रथम करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी लग रहा होगा अपनी ग्राम सभा में? ग्राम सभा में नाली, खड़ंजा या जो खड़ंजे लग चुके हैं उस पर इंटरलॉकिंग, जिससे मतलब गांव एक खूबसूरत दिखने लगे, गांव में गांव की साफ सफाई, और हमारा जो मानना है, जनता ने इतना जो हमारे पर विश्वास जताया है, जनता को ये कभी एहसास नहीं होने देंगे कि हमने गलत आदमी को ओढ़ दिया है जी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं सोचूंगा मतलब हर एक घर का, हर एक व्यक्ति ने हमें वोट दिया है, ये आपकी मानना है, चाहे वोट दिया हो या नहीं? जी जी जी, हर एक घर से, हर एक परिवार से, हर एक व्यक्ति ने हमें वोट दिया जी। अच्छा, आप नवयुवक ही समझिए, आप मीडियम वर्ग के हैं, तो नवयुवकों के लिए वह कौन सी आप विकास के लिए योजना लाएंगे जिससे सबसे ज़्यादा नवयुवक लाभान्वित? हमारी कई योजनाएं हैं, जैसे अब खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से जी हमारी प्लानिंग पहले से भी रही है। हमने एक अभी इलेक्शन से पहले रेडियो FBI के माध्यम से मोमबत्ती के निर्माण कार्य का 25 महिलाओं का हमने करवाया है, ट्रेनिंग करवाया जी, है जी, जी। और इसके बाद में प्लान है कि हम अगरबत्ती का भी करवाएंगे, और इन लोगों के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग जी जी लघु उद्योग कुटीर उद्योग लगाने की
योजनाएं हैं भविष्य में जी जी, और ऊपर वाले ने चाहा तो 5 साल हमारे पास है, 5 साल में हमको कर गुजरेंगे जिससे युवा रोजगार पाएंगे, गांव की महिलाएं रोजगार पाएंगी, जो गांव की हमारे असहाय महिला जैसे विकलांग हैं या विधवा हैं उनको हम रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे 5 साल में। बड़ी अच्छी बात रही, आप इसी प्रकार से कीजिए, एनजीओ के माध्यम से आप ये सारे कार्य करेंगे जी। अच्छा, दूसरा आप कार्य जैसे हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि हम देखते चले आ रहे हैं, आप भी देखते ही होंगे कि प्रधानों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है और वहाँ की जनता साल दो साल में ही ये कहने लगती है कि प्रधान जी ने हमसे कुछ पैसे लिए कॉलोनी के लिए और या पट्टे के लिए या लाइट्रिक के लिए। तो आप इसे किस प्रकार से देखेंगे, आप भ्रष्टाचार से मुक्त होने का प्रयास करेंगे, आप भी उसी में लिप्त रहेंगे? नहीं, कोशिश प्रयास नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त रहूंगा जी, ये वादा है और पिछला कार्यकाल उदाहरण है उसका। और कुछ लोगों पर केवल आरोप लगते हैं, विपक्षी लोग लगा देते हैं, लगाना वो तो अलग की बात है, आरोप सिद्ध ना हो ये सबसे बड़ी बात। जी जी जी, और तो पक्ष विपक्ष हर गांव रहते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि हमारा कोई विपक्ष ना रहे जी, जी। हम सबसे मेल मुहूर्त से रहें, जो हमारे इससे पहले के हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी रहे मनोज कुमार यादव जी, जब एक बार मैं उनसे जीता हूँ एक बार उनसे जीते हैं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे मधुर संबंध है, उनका स्कूल है गाँव में, हमारे बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उनके यहाँ चार मतलब महीने में एक बार मुलाकात होती है, मैं उनके यहाँ चार बार जीता हूँ, हमारे यहाँ इलेक्शन होता है 10 दिन की प्रतिद्वंदता रहती है जी, उसके बाद हाँ हाँ बस जो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदता, कोई मतलब दुश्मनी नहीं, मेल मुहूर्त से मिले सभी प्रतिद्वंदी भी मेल मुहूर्त से रहे। अच्छी बात रही, आप इसी प्रकार से सभी को एक साथ लेकर चलें, ये हमारी भी आपसे एक अपेक्षा रहेगी और पूरे देश समाज की ये अपेक्षा। जब प्रधान जी आप अपने ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में अपने मसौधा विकास खंड में कैसे स्थापित करेंगे जिससे आपकी ग्राम सभा एक आदर्श ग्राम सभा? मेरी पहली सोच है कि हमारी शुरुआत अगर ऊपर वाले ने चाहा, सभी गाँव वालों ने साथ दिया, तो हमारी ये प्लानिंग है, हम एक रिक्वेस्ट करेंगे जिले के मजिस्ट्रेट साहब से या सीआरओ साहब से या डीपीआरओ साहब से कि एक प्रोग्राम लेंगे, उनका एक चौपाल लगाएंगे, चौपाल में गांव के एक 10-100 लोग कम से कम एक साथ में कसम खाएंगे कि आज से हम न तो गुटखा न खैनी न पान खाएंगे जी। इसी माध्यम से धीरे धीरे मेरी प्लानिंग है कि मैं अपने गाँव को नशा मुक्त कराऊँगा। तो ये अगर आप शायद ये कार्य करवा देते तो सबसे बड़ा आदर्श ग्राम सभा आपका इसी के माध्यम से। जी, मैं कोशिश करूंगा, अवश्य करूँ, कोशिश करूँगा। चलिए, आप ये कोशिश कीजिए, तो और सारे कार्य चाहे बाद में ही हो, लेकिन अगर नशा मुक्त आप करवा देते अपने समाज को तो सबसे बड़ा कार्य होगा। हम शुरुआत में 100 लोगों को लेकर के ये शपथ लेंगे कि आज के बाद में नशा नहीं करूँगा, धीरे धीरे फिर नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट महीने में 100 लोगों को इसलिए वो इसी तरीके से 100 लोग एक कम से कम 2-2 लोगों को प्रेरित करेंगे तो 200 लोग हो जाएंगे, वो 300 लोग हो जाएंगे, वो 300 लोग अगर 2-2 लोग को प्रेरित करेंगे तो 900 लोग हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, इस तरीके से सर्किल जी हाँ सर्किल बढ़ती जाएगी, इस तरीके से हमारा गाँव नशा मुक्त हो सकता है। कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश आप कीजिए और जहाँ सहयोग होगा हम भी रहेंगे जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सहयोग इस प्रधानी के चुनाव में आपने लगभग कितना पैसा खर्चा? पैसा का मतलब ये भैया जैसे बैनर पोस्टर तो है ही है, हाँ। बैनर पोस्टर है और मत वो क्या नाम है नामांकन पत्र है, नोडूज है, ये कि नियर अबाउट हमारे ख्याल से 25-30 के बीच में 25,000 से वो है। जैसे हम देखते चले आ रहे हैं कई प्रधानों ने 10 लाख रुपये खर्चा किया, 5 लाख रुपये खर्चा किया वोटरों को लुभाने का भी कार्य किया, तो आपने तो ऐसा नहीं ऐसा दिया, इतना बड़ा पैसा खर्चा करके हम इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे। इतना पैसा खर्चा तो दारू दारू नहीं पीना दारू पिछाने वाली चीज़ हमारे यहाँ जो पीने वाले भी हाँ, कम जब पीने वाले हम है। ये खुद समझ सकते हैं या पूरी जनता समझ सकती है, जब आप इसकी शपथ दिलाने की बात कह रहे हैं तो कहाँ से शुरू में, लेकिन हो सकता है कि वोटरों को लुभाने के लिए कुछ उस समय कुछ ऐसी लालच दी हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जनता की कोई डिमांड भी हमारे यहाँ नहीं रही है, जनता हमारे यहाँ समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है। अच्छा, आपके यहाँ जो प्राइमरी विद्यालय है वो मॉडल विद्यालय है या पुराना? नहीं, पुराना विद्यालय है, लेकिन यह मॉडल बना दिया गया है, उसमें फर्श वगैरह अच्छी बन गई है और अब डेकोरेशन बड़ा अच्छा हो गया हमारे यहाँ जो स्कूल के, हमारे यहाँ की जो प्रधानाध्यापिका है मेहनत भी करती हैं बच्चों साथ में, हमारे यहाँ प्राइमरी स्टाफ प्राइमरी स्टाफ जो है वो अच्छा है, अगर बच्चों की संख्या अच्छी रहे तो लोग मेहनत करते हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो हम भी सहयोग करते हैं। पिछली बार जब मैं प्रधान था तो मैं 1-2 घंटे बच्चों को जो 4-5 बच्चे थे उनको मैथ पढ़ाने जाता था। अच्छा जी, अच्छी बात
चाहिए आप शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें, स्वास्थ्य पर जोर दें और नशा मुक्त करने की बात आप कह ही रहे हैं। अच्छा, आपके ग्राम सभा ओडीएफ ग्राम सभा स्वच्छ भारत मिशन का ही एक हिस्सा है, खुले में शौच न जाए, सभी के पास लैट्रिन हो। हमारे यहाँ 95% लोगों का शौचालय है, जो रह गए हैं, जो बच गए हैं, और आने वाले एक साल के अंदर में चाहूँगा कि हमारे गांव के प्रत्येक घर में शौचालय हो। अच्छी बात रही, तो आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। इंडिया नाउ 24 से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शर्मा, अयोध्या।